हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कोडर ब्रो अगेन। आज यहाँ पे मैंने लाई है दो अच्छी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ विप्रो की तरफ से। यस, तो विप्रो एक एमएनसी है, बहुत बड़ी एमएनसी है जो हायरिंग कर रही है दो रोल के लिए। वन है एनालिस्ट एंड सेकंड है डेवलपर। एनालिस्ट रोल के लिए लोकेशन हैदराबाद जो कि इंडिया में लोकेटेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो विप्रो एक जो एनालिस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है वो इट प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी एंड इम्पैक्टफुल एनालिटिकल डिलीवरेबल्स। मीन्स एनालिटिकल स्किल उसको आने चाहिए जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द क्लाइंट प्रायोरिटीज जो कि बेसिक फर्स्ट स्टेप होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। बेसिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, बेसिक एनालिसिस ऑफ द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, तो ये सब चीज़ें उनको आनी चाहिए, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉलेज मस्ट है, वो देख लो यहाँ पे क्या चाहिए उनको। बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एमएस ऑफिस टूल्स, पीपीटी, वर्ड, एक्सेल, ये जो स्किल्स है ये स्किल्स प्रेफर्ड रहेंगे। और इंजीनियरिंग डिग्री, मास्टर्स डिग्री और एमबीए। एंड बिहेवियरल स्किल्स देख लो क्या क्या चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव वर्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एबिलिटी। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है इनकी इन्होंने ऑलरेडी दी गई है। अगर आप इसमें स्किल्स है, आपकी स्किल्स इसमें अच्छी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई का बटन दिया गया है। तो एक विप्रो की तरफ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी विप्रो की तरफ से, वो डेवलपर रोल के लिए है। तो डेवलपर रोल मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि कोडिंग करता है, उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको डेटाबेस आना चाहिए और उसके एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने तीन फेजेस दिए हैं जो कि इनको रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। तो बेसिक जो डेवलप है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बाय स्टडी इन्फॉर्मेशन नीड्स। तो बेसिकली जो पहली स्टेज होती है इनकी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, और सेकंड फेज है परफॉर्म कोडिंग एंड इंश्योर द ऑप्टिमल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक सेकंड फेज है, एनालिसिस करना है, प्रॉब्लम डेफिनेशन समझनी है और सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो भी मतलब एरर फ्री कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलप करना है विदाउट बग एंड नो बग एंड टेस्ट नो टेस्ट फेल्यूअर। तो ये सेकंड फेज है। और थर्ड फेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस रिपोर्टिंग एंड कस्टमर फोकस, मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर बनने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो जो भी सभी डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, फाइनल आउटपुट, वो थर्ड फेज में आता है। तो ये तीन फेज है इन्होंने ऑलरेडी दी गई कि क्या क्या इस जॉब के लिए आपको करना होगा। तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई का बटन दिया गया है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये विप्रो ने लाई है आप सबके लिए। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। और ऐसे ही जॉब पोस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।